पाक कलाम
और जब
नबीयीन जा रहे हैं, अब हिदायत का रास्ता तो बंद होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हिदायत की जिम्मेदारी हमने ली है। इन्ना हदैना हुस्सबीला, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। तो जब नबी दुनिया से जा रहे, एक के बाद एक नबी आते रहे, लेकिन जब खातिमुन नबीयीन आए और जब खातिमुन नबीयीन दुनिया से चले गए, अब हिदायत कौन करेगा, अब हिदायत का रास्ता कौन दिखाएगा, अब हादी कौन कहलाएगा? तो फिर वही कहलाएगा जिसके लिए रसूल ने कहा हो, देखो मैं जा रहा हूँ, इन दोनों का दामन थाम के रखना। कुरान रहने गए का भाई, ये रसूल का कहना के दोनों का दामन थाम के रखना तो तुम हरगिज गुमराह नहीं हो। ये देखा जब निकल रहा उस वक्त की कसम नहीं,
कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, मैं तो माबूद तुझे कसम खा रहा है। ये क्यों खा रहा? क्या इसलिए खा रहा हूं कि मुझसे अफजल तो है नहीं, लेकिन बेऐब जरूर है। बंदों का बनाया हुआ होता तो बेऐब हो जाता, अल्लाह ने बनाया है तो बेऐब है। सूरज बेऐब, चांद बेऐब, जमीन बेऐब, आसमान बेऐब, ये सितारे बेऐब। तो ये इस बात की दलील है ना, जब अल्लाह कसम खा रहा है तो ये सूरज के जो कमाल है निकलना, ये अल्लाह के होने की निशानी, चांद का कमाल अल्लाह की निशानी, आसमान का कमाल अल्लाह की निशानी, जमीन का कमाल अल्लाह की निशानी। तो ये चांद, सूरज, जमीन, आसमान, सैयारे, सितारे, ये जब सब इतने बा कमाल है तो जिनकी सदके में बना हो, जिनके सदके में बना होगा वो कितने बा कमाल होंगे। तो वो इतने बा कमाल है कि अल्लाह ने कहा कि मैं ना चांद को बना था, ना मैं सूरज को बना था, ना आसमान का शामियाना लगा था, ना जमीन का फर्श बिछा था। क्यों ना बिछा था? का इल्ला फी महब्बती हाउलाए खमसतिल लजीना हुम तहतल किसा। मैं ये कुछ ना बना था अगर ये चादर के नीचे पांच ना होते। भाई खोल मिलने वाली बात ये है, जब अल्लाह ने कह दिया मैंने जमीन, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, जो कुछ वो बनाया इनके लिए जो चादर के नीचे। महबूब जब तूने ये कह दिया कि जो चादर के नीचे है इनके लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ने खाली नहीं कहा, कहता खमसतिल लजी, ये जो पांच है महबूब चादर के नीचे है ही पांच, तो अलग से नाम लेने की जरूरत क्या थी? तो ये कहता जो चादर के नीचे है इनके लिए बनी है कायनात, नहीं खमसतिल लजीना उम तहतल किसा, उन पांच के लिए जो चादर के नीचे। महबूब एक बात तो बता, जब चादर के नीचे है ही पांच, अलग से ये पांच का लफ्ज, पांच का अदद बताने की जरूरत क्या थी? क्या तुम बंदे हो? मेरी जात ना महदूद है, अभी तुम देख रहे हो चादर के नीचे पांच है, और अभी चंद लम्हे गुजरेंगे फरिश्तों का सरदार आयत तदहीर लेकर छठा बनकर चादर में आएगा। वो छठा बनकर चादर में आएगा, ये पांच के छह हो जाएंगे। जमाने को हमसा का लफ्ज रख के बता रहा हूं, चादर के नीचे जो है एक और है, पांच और है। इनमें अली कौन है, इनमें हसन कौन है, इनमें हुसैन कौन है? अब जिब्रील
कहता मेरा हबीब मोहम्मद है, उसकी बेटी है, उसके नवासे हैं, उसका भाई अली है, नहीं कहता हम फातिमा, फातिमा है, उसका बाबा है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का शोहर है, महबूब तारुफ हबीब के नाम से नहीं कराया, जहरा के नाम से क्यों कराया? कल जमाना बदलेगा, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक कहेगा है ना।
कहते हमारे नूर से जो तीनत बची थी उस
जो बंदे के बस से बाहर है, जो कुरान के हकीकी मायने को समझते या कुरान की हकीकी तफसीर को जानते, इसे मासूमी ने बता सकते कौन सी आयत बाहर आई, कौन सी आयत मैदान में आई, कौन सी आयत बताने वाली, कौन सी आयत चादर के अंदर आई, कौन सी आयत चादर के बाहर आई, ये सिर्फ मासूमी ने बता सकते, ये सिर्फ इमाम बता सकते। कुरान खामोश किताब, और ये खामोश की बात वही समझ सकता है वो जिस घर में रहता हो। तो कुरान के हकीकी मायने वही बता सकते हैं जिस घर में कुरान उतरा हो। और खुदा की कसम सिर्फ मायने ही नहीं बता रहे, कुरान की हिफाजत की थी। अल्लाह ने कहा था कि कुरान की जिम्मेदारी हिफाजत की हम थी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाए इस कुरान को हमने ज़िक्र बना के नाज़िल किया और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। बसाए फिर वही बात के मासूम के फ़ैल पर अल्लाह अपना फ़ैल करती। अल्लाह ने कहा था कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने, इसी जिम्मेदारी आले मोहम्मद ने निभाया। जब कुरान पे वक्त पड़ा, जब कुरान में मुश्किल आई, जब इस्लाम में मुश्किल वक्त आए, आले मोहम्मद आ गए, आले इमरान आ गए, कुरान की जबर को बचाने के लिए मौला ने जबरदस्त अब्बास के पास उठे, कुरान के खिलाफ को बचाने के लिए शहजादी ने अपनी चादर दे दी। यानी इस्लाम में जब भी मुश्किल वक्त आया, आले मोहम्मद सामने, अज़ादार आले मोहम्मद ने वो कुर्बानियां दी है दीन मोहम्मद के खातिर। अपने घर को छोड़ा तो दीन मोहम्मद के, अपने वतन को छोड़ा है तो दीन मोहम्मद के, अपना घर कुर्बान किया है तो दीन मोहम्मद के लिए। अज़ादार इमाम हुसैन को हम रो रहे हैं, 1400 साल बाद इमाम हुसैन की विलादत हुई, रसूल खुदा ने आगोश में लेके प्यार करना शुरू किया, अचानक रसूल खुदा की आंख से आंसू जारी हुए। बीबी जैनब ने पूछा, बाबा जान अभी तो आप प्यार कर रहे थे, ये अचानक आंसू तो निकल आए। कहा, ज़हरा एक वक्त आएगा जब ये मेरा लाल हुसैन करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा, ना कोई गुस्ल देने वाला होगा, ना कोई कफन देने वाला, ना कोई रोने वाला। बीबी ज़हरा ने कहा, बाबा जान उस वक्त आप भी नहीं रहेंगे तो मेरी लाल नहीं, तो उस वक्त अली भी नहीं होंगे तो मेरी शहजादी नहीं, तो उस वक्त मेरा बेटा हसन तो नहीं ज़हरा
قرآن وسيرة محمد آل محمد وسيدنا جي گزار